दोस्तों ये जो आप सामने देख रहे हैं हरियाणा नस्ल का जो बैल, जिसको बोझा ढोने के लिए खेत में ले जाने के लिए जहाँ पे प्रयोग करते थे, ये वो हरियाणा नस्ल का जो बैल हमारे सामने है, जिसका देसी जिसको नस्ल बोलते हैं, उसका टुकुंद ऊपर का आप देख सकते हैं, इसी से अंदाज़ लगते हैं। सामने जो पैरों के आगे जो लटकता हुआ हिस्सा है, जो वो आप कह सकते हैं, तो ये पहचान होती है इसकी। और इतनी जो ऊंचाई और इतनी चौड़ाई और इतना ज़बरदस्त सुंदर शालीन बैल या हरियाणा नस्ल का पशु आपको देखने का शायद ही बहुत कम मिला होगा या नहीं मिला होगा, मैं बताना चाहूँगा। ये यहाँ पे रोहतक में जो मलिक सर हैं, जो वैदिक तरीके से कुछ अपना प्लास्टर वगैरह बनाते हैं, जैसे गाय के गोबर वगैरह से मिक्स करके, तो इनके पास कुछ पशु हैं जिनको ये उनके गोबर और मूत्र का यूज़ करके अपने प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो सर से इस बैल के बारे में जानेंगे कि ये कहाँ से लेके आए, और इस हरियाणा नस्ल की जो गायें हैं ये मेरे से उम्र में काफ़ी सीनियर हैं, तो इनको ज़्यादा अनुभव होगा, क्योंकि मेरे समय तक तो ये पशुओं की हरियाणा नस्ल या देसी गायें धीरे धीरे ख़त्म, मतलब घरों से बाहर निकलती चली गई हैं। लेकिन हम वीडियो के माध्यम से कोशिश करेंगे अपने घरों में भी एक एक हरियाणा नस्ल के पशु रखें, ताकि जब हम हमारी जो स्वदेशी जो हमारे जो क्षेत्रीय जो पशु होते हैं उनको घर में रखते हैं, तो उनके दूध आपने अनुमान लगाया हो, कभी देखा होगा बच्चों को हम कहते हैं जो आपको पसंद आए वो अपना पेशा या व्यवसाय आप कुछ भी चुने, क्योंकि उसके पीछे क्या होता है, जब हम चीज़ों का स्वयं चुनाव करते हैं, अपनी मर्जी में स्वभाव में आकर चुनाव करते हैं, तो उसी काम में हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं, मतलब हमारी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। पशुओं के साथ या हर चीज़ के साथ, नेचर के साथ वही होता है। तो मलिक सर, मैं जानना चाहूँगा ये जो बैल है ये हरियाणा नस्ल का है, इसमें क्या खास बात है, मतलब क्षेत्रीय नस्ल के बारे में जानना चाहूँगा, क्षेत्रीय नस्लों में और जो विदेशी नस्लें हैं इनमें क्या फ़र्क होता है? स्टेटस सिंबल एक चीज़ होती है। हाँ जी, आज जैसे कोई कार आ गई, मेरे पास मर्सिडीज है, मेरे पास ओडी है, मेरे पास ऐसे है, मेरे पास वो है। हाँ जी, आज से कुछ समय पहले तक हमारा जो स्टेटस सिंबल था जमींदार का, वो बैल के साथ होता था। हाँ जी, इसके पास इतना तगड़ा बैल है। हाँ जी, इसके पास इतना अच्छा बैल है। समय उसी हिसाब का था, क्योंकि बारात तक भी हमारी बैलगाड़ियों में जाती थी। बिल्कुल, लेकिन समय ने करवट ली और जो इंसान का सबसे पुराना जो दोस्त था बैल। हाँ जी, वो आज सबसे ज़्यादा कष्ट में है। बिल्कुल, ये जो बैल जो आप देख रहे हैं ये एक गौशाला के अंदर था, और ना ये वृद्ध की श्रेणी में आता और ना ये बच्चे की श्रेणी में आता। बिल्कुल, ये खड़ा खड़ा इसकी आंखों में आंसू था और इसके शरीर पे कम से कम 2000 चीचड़ थे। हाँ जी, तो जब मैंने इसको देखा तो देखते ही मगर ये बैल की जगह तो नहीं है। बिल्कुल, उसी दिन मैं इसको अपने यहाँ पे ले आया था। हाँ, और तब से ये मेरे पास यहीं पे है। इससे मैंने आटा चक्की चलवा के आटा पिसवाने का काम किया, एयर कंप्रेसर से एयर कंप्रेस करके बिजली बनाने का भी मैंने अपना जो एक्सपेरिमेंट था वो किया, और जो तीसरा मेरा एक्सपेरिमेंट है कि गोबर से बिल्डिंग मटेरियल दोबारा कैसे बने, ईंट वगैरह कैसे बने, ब्लॉक कैसे बने, वो भी सारा काम जो है मैंने इसी के गोबर से किया है। हाँ जी, तो मेरा सौभाग्य रहा कि जब से ये मेरे पास आया है मैं कुछ नया कुछ अच्छा अच्छा लगातार कर रहा हूँ। अगर ये मेरे पास नहीं होता तो आज ये जो गोबर की ईंटें हम देख रहे हैं, आज ये गोबर के गमले जो हम देख रहे हैं, आज ये जो मेरा खुद का कॉन्फिडेंस गोबर के प्रति, क्योंकि पीएचडी के बाद कभी सोचा ही नहीं था कि मैं दोबारा इस दौर के अंदर आऊँगा कि मेरे पास खुद के पास भी बैल होगा, क्योंकि सभी चाहते हैं कि उसके पास तो बैल की जगह हेलीकॉप्टर हो। बिल्कुल, तो हेलीकॉप्टर और जहाजों के अंदर घूम के सारी दुनिया देख के जो मुझे पता चला वो यही पता चला कि पृथ्वी का जो आधार है वो यही है और इसी की तरफ हमें वापस आना पड़ेगा। सर, मैं नेचुरल में जानना चाहूँगा, हमारे जो क्षेत्रीय पशु होते हैं, हमारी जो हरियाणा नस्ल जो क्षेत्र है वहाँ के जो पशु हैं, इनमें मतलब क्या फ़र्क होता है, इनमें क्रियात्मकता, इनका जो दूध होता है इनमें बाकी दूधों से क्या फ़र्क होता है? आपका जो सवाल है वो A1 और A2 को लेकर है, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ। हाँ जी, तो भारतीय नस्ल के जो भी गायें हैं या भैंस हैं या बकरी हैं, सभी का दूध A2 ही होता है। हाँ जी,
गाय का जो दूध होता है भारतीय नस्ल की का, उसके जो फैट मोलिक्यूल्स हैं वो जो है कुछ छोटे होते हैं, भैंस के जो है वो बड़े होते हैं। हाँ जी। तो हजम के लिए, हजम करने के लिए जो है ना दूध जो है वो गाय का या बकरी का वो सबसे अच्छा होता है। हाँ जी। भैंस का जो दूध है वो पहलवानों के लिए, कुश्ती करने वालों के लिए अच्छा है। हाँ जी। बीमार वगैरह उनके लिए नहीं। हाँ है। और जैसे बाजरा आप हिमाचल में नहीं उगा सकते, और सेब आप जैसलमेर में नहीं उगा सकते। हाँ जी। इसी प्रकार जो भी जिस क्षेत्र की जो पशुधन है उस क्षेत्र का सबसे अच्छा वहीं का होता है। ये जो बैल है यहाँ पे लगातार हमने जो है, क्योंकि खेती बैल पे आधारित ही थी, तो हमने बैलों को इतना उन्नत किस्म का बना लिया था कि हाथी जितने शक्तिशाली बैल हमारे हरियाणा में होते थे। आज से 20 साल पहले की, से 100 साल पहले की बात करूँ 1920 की, तो 1920 में 10 एकड़ जमीन लगभग 20 रुपए की आती थी। हाँ। और एक जोड़ी बैलों की भी 20 रुपए की आती थी, इतनी ज़्यादा इनकी कीमत थी। हाँ। अब अगर आप जैविक खेती की तरफ जा रहे हैं तो आपको अपने खेतों के अंदर जीवाणु बढ़ाने पड़ेंगे, तो वो जो जीवाणु बढ़ाने का काम है वो ये बैल ही कर सकते हैं। क्योंकि जैसे ही हम खेत के अंदर बैल को जोतते हैं, जोतते ही ये जो सबसे पहला काम करता है ये गोबर देता है। हाँ जी। वो गोबर सीधा मेरे खेत में जाता है, उसके बाद ये चलता रहता है और मूत्र त्याग करता रहता है। वो जो मूत्र है बैल का वो जो है उसके अंदर 2.5% यूरिया होती है। हाँ। और 1.5% अन्य जो हम ये जिंक वगैरह खेतों में डालते हैं। हाँ। सल्फर वगैरह और ये चीज़ डालते हैं वो होती है। यानी कि अगर इसके मूत्र को हम देखें, इसके गोबर को हम देखें, तो पृथ्वी का जो भोजन है, मिट्टी का जो भोजन है, पौधों का जो भोजन है, वो सारे के सारे आवश्यक तत्व इनके गोबर और मूत्र में ही होती हैं। तो अगर आप जैविक की तरफ दौड़ रहे हैं, जैविक की तरफ वापस लौट रहे हैं, तो आपको बैल को भी दोबारा घर पे लेके आना पड़ेगा। अगर आप डीजल फूंक के अपना चारा घर पे लेके आते हैं तो आप पर्यावरण का नुकसान कर रहे हैं, अपना खुद का नुकसान कर रहे हैं और अपने पैसे खराब कर रहे हैं। तो एक बैल तो आपके घर में ज़रूर होना चाहिए, जिससे आप आज के जो काम हैं जो भी आप कर सकते हो, कम से कम चारा लेके आना वाला या थोड़ा बहुत जो सामान वगैरह ढोने वाला वो काम जो है इससे कर सकें। हाँ जी। तो बिल्कुल बहुत ही बढ़िया सर ने इसके बारे में एक्सप्लेन किया, जो देशी नस्ल के हरियाणा नस्ल के जो पशु होते हैं या जिस भी क्षेत्र में जो पशु क्षेत्रीय होते हैं उनके बारे में, इनको मैं एक बार फिर से मैं कवर करना चाहूँगा। देखिए मतलब इतनी ऊँची हाइट हमने घोड़ा भी इस तरह से नहीं देखा है, आप अंदाज लगा सकते हैं। देखिए सर की हाइट से आप तुलना कर सकते हैं मलिक सर की हाइट के बिल्कुल बराबर है, और ये सर कितनी हाइट लगभग, मेरे ख्याल से ये 6 से ऊपर का है। 6 से बिल्कुल 6 से ऊपर हाइट है, 6 फुट से ऊपर। अगर कुकुंद के पास से सर का हाइट का अनुमान लगाएं, ये देखिए बिल्कुल हाइट 6 फुट के आसपास, इतना ज़बरदस्त। और मौसम अभी ख़राब है वैसे बाहर का, और बारिश भी हो रही है, अंधेरा हो चुका है, फिर भी हमने कोशिश किया, जैसे हमने पशु दिखाई दे, सर ने बताया कि हमारे पास हरियाणा नस्ल के बैल और एक बछिया भी है।